तो फ्रेंड्स, हाइपर ओएस का फुल रिव्यू लेके आ चुका हूँ हमारे Xiaomi 11i आई और हाइपर चेस यूजर के लिए। ओके, और आप अगर अभी तक इसका फुल चेंज लॉक का वीडियो नहीं देखा हो हमारे Xiaomi 11i आई में, जो हाइपर ओएस का अपडेट आया है उसमें क्या कुछ फीचर्स देखने को मिला है वो वाला वीडियो आप अगर अभी तक नहीं देखा हो तो क्या कर रहे हो यार, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाओ जल्दी देख लो, बहुत कुछ ऐड हुआ है हाइपर ओएस में। ओके, बाकी ये वाला वीडियो इसका रिव्यू के ऊपर होने वाला है, ये वाला अपडेट आपको करना सही रहेगा कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिलता है, बैटरी बैकअप कैसे है, बाकी जो फ़ोन हीट वगैरह करता है कि नहीं, कुछ और भी जो बग्स वगैरह मुझे क्या मिला है, तो सब कुछ मैं बताऊँगा ये वाले वीडियो में। ओके, और ये वाला वीडियो को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो खुद, जो कुछ डिसाइड कर सकते हो ये वाला अपडेट आपको करना चाहिए कि नहीं। ओके, सो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। ओके, सो चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम लोग देखेंगे इसका जो UI स्मूथनेस है वो कैसा है। ओके, सो नो डाउट गाइस, इसका जो UI वगैरह में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, कोई स्टटरिंग या फिर लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इसका जो कंट्रोल सेंटर है इसमें भी आपको कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, देख सकते हो इतने स्मूथनेस से डाउन होता है। ओके, और इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेगा, बाकी ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, देख सकते हो क्विकली ये ओपन कर देता है। ओके, एनिमेशन भी देख सकते हो, और ये एंड्रॉइड जो 13 है उसके होने की वजह से ना आपको स्टिल जो MIUI 14 था उस तरह से एनिमेशन देखने को मिलेगा। अगर ये एंड्रॉइड 14 के साथ आता है वाला हाइपर ओएस तो आपको इसमें ना जो एनिमेशन है बहुत सारी UI जो है इसमें आपको एनिमेशन चेंजेस देखने को मिलता, बट एंड्रॉइड 13 के होने की वजह से नॉर्मली आपको एनिमेशन मिलेगा MIUI 14 के ही तरह। बाकी ये जो रोम है, हाँ, ये एंड्रॉइड 13 के साथ ही आता है, आपको इसमें जो और कोई अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। ओके, एंड्रॉइड 14 वगैरह नहीं मिलेगा, आपको कोई पोर्ट रोम या फिर जो मॉडेड वगैरह रोम यूज़ करना होगा एंड्रॉइड 14 अगर चाहिए तो। कंट्रोल पैनल में आपको प्योर लाइट ब्लर देखने को मिलते हैं, बट मुझे वॉल्यूम पैनल में इसमें ब्लर देखने को नहीं मिला है। बाकी जो मुझे सही नहीं लगा है इसका जो म्यूज़िक का जो ऑप्शन है ना, इसमें प्रेस करने से ये नहीं आता है, नहीं खुलते, देख सकते हो ये ओपन नहीं होते, इस तरह से रहता है। और जो एंड्रॉइड 13 है इसके वजह से आपको इसमें कोई एनिमेशन देखने को नहीं मिलता है। हाइपर ओएस का जो क्लॉक वाला ऑप्शन है इसमें नोटिफिकेशन पैनल का साइड में देख सकते हो इस तरह से एनिमेशन मिलता है एंड्रॉइड 14 वाला हाइपर ओएस में, बट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो इस तरह से रिसेंट मेनू आप नॉर्मल इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको सुपर फोल्डर का तो ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हो सुपर फोल्डर का ऑप्शन, बट इसमें आपको ब्लर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, फोल्डर वगैरह में देख सकते हो ब्लर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा। सुपर आइकॉन का भी सपोर्ट आपको जो नहीं मिलेगा इसमें, देख सकते हो कोई सुपर आइकॉन पैक वगैरह आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ओके, और बहुत सारे यूज़र का डिमांड था कि इसमें हाइपर ओएस या फिर MIUI का डायलर मिलेगा, बट नो गाइस, स्टिल आपको इसमें गूगल डायलर ही देखने को मिलेगा। ओके, इससे ही आपको काम चलाना पड़ेगा आपको, और इसमें कोई MIUI या फिर हाइपर ओएस का डायलर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो मैसेजिंग है ये तो MIUI का ही कुछ अपडेट में इसमें ऐड हो गया था MIUI का मैसेजिंग। ओके, बट डायलर जो है ये आपको गूगल का ही देखने को मिल जाएगा, बाकी आप रूट करके हाइपर ओएस का डायलर इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। और हाइपर ओएस अपडेट के साथ जो कुछ प्रीमियम जो फीचर्स था वो भी आपको मिसिंग देखने को मिल जाएगा, लाइक आप अगर यूट्यूब से बैकग्राउंड में म्यूजिक सुन रहे थे ना वो आपको अब देखने को नहीं मिलेगा, देख सकते हो इसमें आपको कोई प्ले बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो ये भी कुछ कमियाँ आपको देखने को मिल जाएगा हाइपर ओएस में, तो नोटिस कर सकते हो। ओके, सो इस तरह से कुछ फीचर्स वगैरह आपको मिसिंग देखने को मिल जाएगा। बात करें इसका कैमरे की, सो नो गाइस, ये वाला जो कैमरा है इसमें कोई अपडेट नहीं हुआ है, नॉर्मली जो MIUI 14 था उस तरह से कैमरा देखने को मिलेगा, आपको कोई इसमें इनहांस जो कैमरा में फोटोज इनहांस देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मली जो था उस तरह से मिल जाएगा। ओके, और भी एक कमल का जो फीचर्स था हाइपर ओएस के साथ जो इंट्रोड्यूस किया था वो आपको देखने को मिला है कि नहीं, जो AI में बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन। ओके, जो फोटो वगैरह आप कॉपी करके दूसरा बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड रिमूव वगैरह कर सकते हो, सो वो वाला फीचर्स आपको स्टिल देखने को नहीं मिला है। ओके, सो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ गाइस, इसमें तो आपको 5G सही देखने को मिल जाएगा, बट ना 5G के साथ आपको वनर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा ये वाले डिवाइस में। ओके, सो अभी तक ऐड नहीं हुआ है, मेरा ये वाला डिवाइस है जो रेडमी 12 5G, इसमें आपको हाइपर ओएस के साथ ना वनर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, बट इसमें स्टिल आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, सो ये भी मुझे सही नहीं लगा है। और भी कुछ बग्स बोलूँ या फिर प्रॉब्लम्स, देखो मैं अगर 120Hz के साथ इसमें डार्क मोड यूज़ करूँ ना, सो आपको जो ग्रीन टिंट इशू भी बोल सकते हो, जो बहुत सारे यूजर को इसके बारे में पता है। ओके,
सो वो वाला प्रॉब्लम्स आपको स्टिल इसमें देखने को मिलेगा। ओके, ब्राइटनेस लो करने पर 120 हर्ट्ज के साथ, चलो मैं शो भी कर देता हूँ सेटिंग्स में, तब उस तरह से देखने को नहीं मिलते। ओके, तो देखो 120 हर्ट्ज है, मैं अगर इसमें चेंज करूँगा जो रिफ्रेश रेट तो आपको इसमें देख थोड़ा नोटिस होगा। ओके, और शायद कैमरे पे नोटिस भी नहीं हो रहे, बट मुझे जो इसमें देखने को मिल रहा है। ओके, 120 हर्ट्ज करता हूँ तो थोड़ा जो ब्राइटनेस आ जाते हैं, बट 60 करने से ए प्योर ब्लैक हो जाते हैं। तो 60 हर्ट्ज में आपको कोई जो ग्रीन टिंट का इशू देखने को नहीं मिलेगा, बट 120 हर्ट्ज के साथ ना वो वाला प्रॉब्लम्स आपको स्टिल देखने को मिल जाएगा ब्राइटनेस लो करने पर। ओके, बट 60 हर्ट्ज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो शायद कैमरे में नोटिस नहीं होते, बट आपको ये वाला प्रॉब्लम जो जो यूजर को पता है स्टिल आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। डार्क मोड तो काम वगैरह सही से करता है। और कुछ मेन परफॉर्मेंस के ऊपर बात करता हूँ, तो चलो मैं जो टेस्ट वगैरह कर रहा था, सो ये है इसका अंतुतु स्कोर, जो ये मुझे बहुत सही लगा है। ओके, MIUI 14 में भी शायद इस तरह से स्कोर देखने को नहीं मिल रहा था, बट इसमें आपको हाइपर ओएस में देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो स्कोर वगैरह मुझे सही लगा, बट टेस्टिंग के टाइम ना 4% का जो बैटरी जो ड्रॉप हुआ था, बाकी फ़ोन 37 में था और टेस्ट जब कर रहा था 41 पे चला गया था। सो बहुत हीट वगैरह कर रहा था टेस्टिंग के टाइम। बाकी इसका जो बेंचमार्क रिजल्ट है गीकबेंच स्कोर का, वो भी मुझे सही देखने को मिला है। जो नोटिस कर सकते हो कि सिंगल और जो मल्टी स्कोर है वो मुझे बहुत सही लगा है देखने को। देख सकते हो एंड्रॉयड 13 है, स्टिल एंड्रॉयड 13 के साथ ही मिल जाएगा। बाकी इसका जो सीपू थ्रॉटलिंग है वो मुझे 85 तक देखने को मिल रहा था, और स्कोर वगैरह आप देख सकते हो। सो ये भी मुझे बहुत सही लगा। ओके, सो ये सारे टेस्ट वगैरह आपको तो सही देखने को मिल जाएगा, बट हाइपर ओएस के अपडेट के साथ आपको फ़ोन में बहुत सारा हीट देखने को मिल जाएगा। ओके, मैं जिस दिन से इसको अपडेट किया हूँ हाइपर ओएस में, सो फ़ोन बहुत हीट होता है। मैं अगर नॉर्मली यूज़ भी करता हूँ, वीडियो वगैरह देखता हूँ यूट्यूब पर, तो फ़ोन हीट रहता है, ऑल टाइम हीट रहता है जब मैं यूज़ करता हूँ। ओके, सेम मुझे बग्स देखने को मिला है, प्रॉब्लम्स मिला है, या फिर गर्मी भी बहुत है। सो आप बताना, आप अगर हाइपर ओएस में अपडेट किया हो तो आपके फ़ोन भी हीट होता है कि नहीं। ओके, सही तरह देखने को मिल जाएगा। बाकी हीट होने की वजह से ना इसका जो बैटरी है वो भी मुझे बहुत ड्रेन देखने को मिला है। ओके, आपको पता ही होगा जब फ़ोन हीट होता है तो उसकी वजह से इसका जो बैटरी है वो भी बहुत ड्रेन होता है। सो ये सारा प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिला है, फर्स्ट अपडेट था। और इसमें चार्जिंग टेस्ट वगैरह अभी तक नहीं किया हूँ, जल्दी करूँगा और वीडियो अपलोड कर दूँगा। ओके, अंदाजा लगा सकते हो ये वाला अपडेट आपको करना चाहिए कि नहीं, या फिर नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो। तो मैं, ये था मेरा ओपिनियन, मुझे ये वाला अपडेट तो सब कुछ सही, बट फ़ोन हीट होता है। ओके, बाकी बैटरी जो ड्रेन वगैरह होता है सब डिसाइड कर लो आपको अपडेट करना चाहिए कि नहीं। ओके, सो आई होप गाइस वीडियो हेल्पफुल लगा, सो प्लीज़ लाइक। चैनल पे नया हो गाइस और आप पे वाला डिवाइस का यूज़र हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सो इजीली कर सकते हो।